डियर स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे चैप्टर चेकअप सेवनटीन क्लास एट्थ ऑक्सफोर्ड तो मैथ्स में से इसमें हमें क्लास इंटरवल फ्रिक्वेंसी टेबल बार बारग्राफ्स ये सारी चीज़ें हमें रिवाइज करनी है इस चैप्टर चेकअप में तो फर्स्ट हमसे स्टार्ट करते हैं फाइंड द साइज ऑफ क्लास इंटरवल इन द फॉलोइंग केसेज जैसा कि मैंने आपको एक्सरसाइज के दौरान करवाया था इस इंटरवल का साइज कैसे निकालते हैं अपर लिमिट इधर वाली होती है अपर लिमिट इधर होती है लोअर लिमिट तो आपने क्या करना बेटे अपर लिमिट में से लोअर लिमिट माइनस कर देनी है वो इंटरवल का साइज आ जाएगा अब जैसे यहाँ अपर लिमिट है 55 50 तो साइज ऑफ इंटरवल क्या है 5 तो यहाँ हम मेंशन कर देते हैं साइज ऑफ इंटरवल साइज ऑफ इंटरवल हो जाएगा 5 ठीक है इसी तरह से आप देखें बी पार्ट 200 टू 220 तो इसका साइज ऑफ इंटरवल कितना हो जाएगा साइज ऑफ इंटरवल इंटरवल का साइज हो जाएगा आपका 220 माइनस 200 तो यह हो जाएगा 20 ठीक है इसी तरह से नेक्स्ट वन सी पार्ट के लिए अगर आप इंटरवल साइज निकालते हो तो साइज ऑफ साइज ऑफ इंटरवल इसका भी हो जाएगा 3 माइनस 0 3 ठीक है किसी भी इंटरवल में से माइनस करें सेम डिफरेंस आएगा तो फर्स्ट को ही आपने चूज करना है ठीक है नेक्स्ट करते हैं सेकंड क्वेश्चन गिवन बिलो द रॉ डाटा रिगार्डिंग द वेट ऑफ थर्टी स्टूडेंट्स थर्टी स्टूडेंट्स के वेट के रिगार्डिंग हमें डेटा दिया गया है तो प्रिपेयर अ फ्रिक्वेंसी टेबल यूजिंग अप्रोप्रियट क्लास इंटरवल तो अप्रोप्रिएट क्लास इंटरवल का यूज करके हमें इस डेटा की फ्रिक्वेंसी टेबल बनानी है तो इसके लिए बेटे हम अगर ध्यान से देखें इस डेटा को तो स्टार्ट हो रहा है ये ट्वेंटी वाली लाइन से जैसे ये यहां पर हमारे पास नहीं ट्वेंटी वाली लाइन में कोई भी नहीं है थर्टी से स्टार्ट हो रहे हैं थर्टी सेवन है जैसे इस तरह से और मैक्सिमम जा रहा है ये सिक्सटी और सेवेंटी वाली लाइन में ठीक है तो हम टेन का गैप लेते हैं जैसे फर्स्ट इंटरवल हम लेते हैं यहाँ पे हम लेंगे ट्वेंटी टू थर्टी सॉरी ट्वेंटी वाली लाइन में तो है नहीं है कोई भी थर्टी से स्टार्ट करते थर्टी टू फोर्टी फोर्टी टू फिफ्टी फिफ्टी टू सिक्सटी एंड सिक्सटी टू सेवेंटी ठीक है और तो इसके ऊपर आप लिख सकते हैं वेट ऑफ द स्टूडेंट्स या फिर आप क्लास भी लिख सकते हैं यहाँ पे कि कौन सी क्लास एंट्र हम ले रहे हैं वेट ऑफ स्टूडेंट्स ठीक है इस तरह से और यहां पे होगा हमारा टैली क्योंकि टैली भी आपको बनानी होती है टैली मार्क्स या ओनली टैली भी आप यूज कर सकते हैं और यहां पे हो जाएगी आपकी फ्रिक्वेंसी फ्रिक्वेंसी ठीक है बेटे इस तरह से आपकी ये कंप्लीट टेबल जो है वो बन जाएगी आपने स्केल का यूज करके बनाना बेटे जितनी ज्यादा क्लियरिटी रखोगे उतना ही ज्यादा अच्छा रहेगा अब थर्टी टू फोर्टी ढूंढते हैं कितने इसमें वर्ड आ रहे हैं जो थर्टी फोर्टी आपने इसमें नहीं लेना है फोर्टी आपका अगले में जाएगा ठीक है फोर्टी अगर पूरा पूरा फोर्टी आता है इन केस तो वो नेक्स्ट वाले में काउंट होगा इसमें नहीं इसमें थर्टी टू थर्टी नाइन तक आपने काउंट कर लेने हैं क्योंकि फोर्टी से नेक्स्ट क्लास इंटरवल जो है वो स्टार्ट हो रही है तो आपका थर्टी टू फोर्टी हम अगर काउंट करेंगे इसमें तो ये हो जाएगा आपका ओनली टू रीडिंग्स है यहाँ पे थर्टी सेवन और थर्टी एट तो टू आ जाएगा इसके टैली कैसे बनेंगे सॉरी नीचे लिखना है इसको टू आ जाएगा ये टैली बन जाएगा वन टू उसके बाद फोर्टी टू फिफ्टी फोर्टी टू फिफ्टी काउंट करते हैं फोर्टी टू फिफ्टी है इसमें ओनली थ्री तो फोर्टी टू फिफ्टी हम लेते हैं यहाँ पे थ्री और टैली टेबल हो जाएगी इसकी थ्री फिफ्टी टू सिक्सटी काफ़ी हैं इसमें फिफ्टी टू सिक्सटी इसमें काउंट करते हैं तो ये आपके हो जाएंगे थ्री फोर फाइव सेवन ट्वेल्व ठीक है तो यहाँ पे हम लिखेंगे ट्वेल्व वन टू थ्री फोर फाइव फिफ्थ ऐसे क्रॉस करना है सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व उसके बाद है सिक्सटी टू सेवेंटी सिक्सटी टू सेवेंटी आप देखें सिक्सटी टू सेवेंटी आपके हैं इसमें थर्टीन ठीक है थर्टीन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन अब इनको टोटल भी करके देख लेना है थर्टीन सिक्सटीन टर्टी ठीक है तो थर्टी स्टूडेंट तो इनका सम थर्टी ही आ रहा है दैट मीन्स हमारी कैलकुलेशन बिल्कुल सही है तो ये आपकी फ्रिक्वेंसी टेबल बन के रेडी है सेकेंड क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट करते हैं थर्ड गिवन द बिलो आर सॉरी गिवन बिलो आर द मार्क्स ऑबटेन बाई फोर्टी स्टूडेंट ऑफ अ क्लास एक क्लास के फोर्टी स्टूडेंट से के मार्क्स यहाँ पर गिवन है तो यहाँ पे आपको दिया गया है जैसे थर्टी सिक्सटी वन फिफ्टी फाइव इस तरह से ये सारी रीडिंग हमें दी गई है अगर आप यहाँ पे लोएस्ट देखें तो लोएस्ट इसका ट्वेंटी फाइव है ट्वेंटी फाइव से कम यहाँ पे कोई भी नहीं है और मैक्सिमम अगर आप देखें तो मैक्सिमम सेवनटी नाइन आ रहा है तो ए पार्ट से स्टार्ट करते हैं क्या करना है हमें ए पार्ट में फाइंड द लोएस्ट ऑब्जर्वेशन सबसे कम ऑब्जर्वेशन तो हम यहाँ पे लिखेंगे लोएस्ट ऑब्जर्वेशन लोएस्ट ऑब्जर्वेशन सॉरी ऑब्जर्वेशन इज इक्वल टू ट्वेंटी फाइव और बी पार्ट में हमें बताना है हाइएस्ट ऑब्जर्वेशन तो हाइएस्ट हो जाएगी हमारी हाइएस्ट ऑब्जर्वेशन हो जाएगी सेवेंटी नाइन उसके बाद सी पार्ट में बताना है रेंज तो बेटे रेंज क्या होता है रेंज होता है हाइएस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस लोएस्ट ऑब्जर्वेशन हाइएस्ट सेवेंटी नाइन माइनस लोएस्ट ट्वेंटी फाइव तो इसको माइनस कर दीजिए नाइन माइनस फाइव फोर और सेवन माइनस टू फाइव तो ये आपकी आ गई रेंज फिफ्टी फोर उसके बाद डी पार्ट में आपको बताना है फाइंड द सुटेबल क्लास इंटरवल अगर आपको इसको क्लास इंटरवल में डिवाइड करना है तो सुटेबल क्लास इंटरवल बताइए अब देखो ट्वेंटी फाइव uh, है तो मतलब ट्वेंटी वाली लाइन हमें लेनी पड़ेगी तो हम क्लास इंटरवल बनाएंगे इंटरवल्स क्लास इंटरवल क्लास इंटरवल हो जाएगी बेटे आपकी कौन कौन सी ट्वेंटी टू थर्टी टेन का ही गैप लेते हैं हम आपकी मर्जी आप फाइव का भी ले सकते हो उसमें कोई दिक्कत नहीं है थर्टी टू फोर्टी फोर्टी टू फिफ्टी और मैक्सिमम सेवेंटी नाइन तक है फिर हम बोलेंगे फिफ्टी टू सिक्सटी सिक्सटी टू सेवेंटी और सेवेंटी नाइन आ रहा है इसलिए सेवेंटी टू एटी ये हमारी क्लास इंटरवाल हम इसमें लेंगे उसके बाद है ई पार्ट प्रिपेयर ए फ्रिक्वेंसी टेबल यूजिंग टेलीमार्क्स तो हमें इसकी टेबल प्रिपेयर करनी है जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में की है सेम उसी तरह से हम इसको बनाएंगे तो इसके लिए हम सबसे पहले तो हम लिखेंगे क्लास इंटरवल्स क्लास इंटरवल्स में मार्क्स हैं हमारे तो इस तरफ लिखते हैं हम क्लास इंटरवल क्लासेस भी आप यहां पे यूज कर सकते हो उसके बाद यहां पे हम लेंगे फ्रीक्वेंसी टेबल यूजिंग टेली है तो टेली मार्क्स मार्क्स का यूज करेंगे यहां पे और यहां पर आ जाएगी आपकी फ्रिक्वेंसी फ्रीक्वेंसी अब आप देखें क्लास इंटरवल हमने पहले ही चूज कर ली थी तो वही सेम यहां पे लिख देनी है ट्वेंटी टू थर्टी थर्टी टू फोर्टी फोर्टी टू फिफ्टी फिफ्टी टू सिक्सटी और सिक्सटी टू सेवेंटी सेवेंटी टू एटी ठीक है हो होगी आपकी क्लास इंटरवल अब इसमें ट्वेंटी टू थर्टी में हमने लिखा है तो ट्वेंटी टू थर्टी हम ढूंढते हैं कितने हैं? तो ट्वेंटी टू थर्टी सिर्फ इसमें रीडिंग है आपकी थ्री ठीक है तो यहां पे आप लिखोगे थ्री और वन टू थ्री ऐसे ही थर्टी टू फोर्टी आपने चेक करना है इसमें थर्टी टू फोर्टी एक बात क्लियर रखनी है अपने माइंड में जैसे ये अपर इंटरवल होती है ये इसमें काउंट नहीं होगा ये नेक्स्ट वाले में काउंट होगा मान लीजिए रीडिंग में हमारा फोर्टी आ रहा है तो फोर्टी को आपने इसमें नहीं लेना फोर्टी स्टार्टिंग पॉइंट में काउंट किया जाएगा ठीक है तो इसमें अगर आप थर्टी टू फोर्टी देखते हैं तो इसमें ओनली सेवन रीडिंग्स हैं तो आप सेवन लिखेंगे यहाँ पे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन ठीक है फोर्टी टू फिफ्टी देखते हैं फोर्टी टू फिफ्टी आपकी रीडिंग है इसमें एट तो आप लिखेंगे यहाँ पे एट और वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट उसके बाद फिफ्टी टू सिक्सटी फिफ्टी टू सिक्सटी फिफ्टी टू सिक्सटी है यहाँ पर टेन तो ये आ जाएंगे टेन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन उसके बाद सिक्सटी टू सेवेंटी ढूंढते हैं एक बार तो सिक्सटी टू सेवेंटी इसमें है सिक्सटी टू सेवेंटी नाइन तो यहाँ पर नाइन लिखना है आपने वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन और एटी सेवेंटी टू एटी वाली ओनली थ्री हैं ठीक है तो ये आ जाएगा थ्री वन टू थ्री अब उसके ये हो होगी आपकी फ्रिक्वेंसी टेबल ई पार्ट के लिए एफ पार्ट में देखें राइट डाउन द कॉम्यूलेटिव फ्रिक्वेंसी इन द टेबल कॉम्यूलेटिव फ्रिक्वेंसी कैसे लिखी जाती है तो इसको हम लिखते हैं सी एफ कॉम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी कॉम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी होती है जैसे फर्स्ट वाले की कॉम्यूलेटिव फ्रिक्वेंसी सेम होती है थ्री का थ्री आ जाएगा नेक्स्ट वाले में प्रीवियस को ऐड करके यहाँ लिखना है जैसे यहाँ से इसको और इसको ऐड करना है पीछे वाले को सेवन प्लस थ्री यहाँ मैं लिख के भी दिखाऊंगा आपको सेवन प्लस थ्री तो सेकेंड इंटरवल की कॉमिलेटिव फ्रिक्वेंसी है टेन नेक्स्ट वाले में जाएंगे तो ये इसमें ऐड होगा टेन मतलब यहाँ से पीछे वाला लेना है और यहाँ से ये टेन प्लस एट एटीन फिर इधर से एटीन को यहाँ लिखना है एटीन प्लस यहाँ से आएगा टेन एटीन प्लस टेन ट्वेंटी एट फिर यहां से ट्वेंटी एट प्लस नाइन ये हो जाएगा थर्टी सेवन और थर्टी सेवन प्लस थ्री फोर्टी ये फोर्टी ही बनना चाहिए जितने हमारे मैक्सिमम स्टूडेंट हैं तो कॉम्युनिटिव फ्रिक्वेंसी हो जाएगी तो ये था आपका कंप्लीट क्वेश्चन नंबर थर्ड नेक्स्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्थ द फॉलोइंग टेबल गिव द प्रोडक्शन ऑफ कार्स इन थाउजेंड इन डिफरेंट ईयर्स अलग अलग ईयर्स में कार्स की कितनी प्रोडक्शन हुई है वो हमें गिवन है रिप्रेजेंट दिस डेटा इन द फॉर्म ऑफ अ ग्राफ बार ग्राफ हमें इसका प्रिपेयर करके दिखाना है अब बार ग्राफ के लिए हमें देखना है कि रीडिंग कहाँ से कहाँ तो इसमें हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को प्रिपेयर करते हैं अब देखो मैक्सिमम रीडिंग जो है वो फोर्टी सिक्स तक है और मिनिमम थर्टी तक तो हम जो है ट्वेंटी या थर्टी से ग्राफ को शुरू कर सकते हैं इस तरह से आपको एक ग्राफ प्रिपेयर करना है ये वाई एक्सिस होगी आप पेंसिल से बनाएंगे बेटे मैं यहाँ पे पेन का यूज़ कर रहा हूँ ताकि आपको विजिबल रहे ठीक है और ज़्यादा डार्क भी आपको करने की ज़रूरत नहीं है तो अब आप यहाँ ज़ीरो लेंगे यहाँ पे टेन फिर यहाँ पर आपका आएगा ट्वेंटी यहाँ पर है थर्टी और यहाँ पर है फोर्टी और फोर्टी सिक्स तक है तो आप फिफ्टी भी लेंगे इसमें ठीक है फिफ्टी भी आपको इंक्लूड करना है अब आप देखें ईयर्स दे रखें हमें टू थाउजेंड थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन तो हम यहाँ पे फर्स्ट ग्राफ बनाएंगे हमारा टू थाउजेंड थर्टीन थर्टीन के लिए फिर नेक्स्ट बनाएंगे टू थाउजेंड फोर्टीन के लिए नेक्स्ट बनेगा टू थाउजेंड फिफ्टीन के लिए सॉरी टू थाउजेंड फिफ्टीन यहाँ पे लेना है आपको यहाँ नहीं लेना है यहाँ पर टू थाउजेंड सिक्सटीन लेना है ठीक है एक एक गैप छोड़कर अब आप देखिए फोर्टी सिक्स फर्स्ट टू थाउजेंड थर्टीन के लिए फोर्टी यहां फोर्टी फाइव यहाँ पे एक पॉइंट ऊपर लेना है आपने तो यहां पर आपका बनेगा फोर्टी सिक्स और इसको ज्वाइन कर देना है ठीक है इस तरह से आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी बिल्कुल क्लियर रखना है इसको और सेम यहां पर आपने इसको ज्वाइन कर देना है तो ये आपका बन गया फोर्टी सिक्स उसके बाद नेक्स्ट जो है टू थाउजेंड फोर्टीन में थर्टी तो थर्टी हमारा गिवन है एज इट इज यहां पर आपका थर्टी है इसको आप लोग ज्वाइन करेंगे और सेम यहां पर भी आप ज्वाइन कर देंगे तो यह हो जाएगा आपका थर्टी उसके बाद फोर्टी टू थाउजेंड फिफ्टीन में ग्राफ जाएगा आपका फोर्टी तक यहां तक और इसको भी आपने ज्वाइन कर देना सेम वे में यहां पे आप ज्वाइन करेंगे ठीक है तो ये आपका आ जाएगा फोर्टी तक और टू थाउजेंड सिक्सटीन लास्ट ईयर में है थर्टी एट थर्टी एट फोर्टी से टू पॉइंट नीचे यहाँ पे और इसको भी आपने ज्वाइन कर देना है बेटे तो ये आपका ग्राफ प्रिपेयर हो जाएगा थर्टी एट ठीक है इस तरह से आपने बनाना है और स्केल आपने जरूर मेंशन करना यहाँ पे का का हमने कितना लिया है? Ten का gap लिया है है और ये थी प्रोडक्शन तो इज इक्वल टू टेन कार्स ठीक है ये आपका स्केल हो गया ठीक है मैक्सिमम टेम्परेचर ऑन फाइव डेज ऑफ अ वीक आर गिवन बिलो मैक्सिमम टेम्परेचर जो है फाइव डेज का यहाँ पे गिवन है रिप्रेजेंट दिस डेटा फ्रॉम इन द फॉर्म ऑफ बार ग्राफ इसका भी बार ग्राफ हमें बनाना है देखो कम से कम जो है इसमें ट्वेंटी वाली लाइन में है और मैक्सिमम है थर्टी एट तक तो हम जो है इस तरह से एक्स और वाई एक्सिस को लेते हैं यहाँ पर होगा हमारा ज़ीरो फर्स्ट पॉइंट हम लेंगे टेन नेक्स्ट लेंगे हम ट्वेंटी फिर लेंगे थर्टी फिर लेंगे फोर्टी ठीक है फोर्टी तक और इस तरफ है हमारा टेम्परेचर तो आप यहाँ पे मेंशन भी कर सकते हैं मैक्सिमम टेम्परेचर ठीक है शॉर्ट में मैंने मेंशन कर दिया इधर हमारे आएंगे डेज मंडे से लेके फ्राइडे तक है तो आप जो है इस तरह से यहाँ पे मेंशन कर देंगे मंडे ट्यूसडे वेडनसडे थर्सडे और फ्राइडे ठीक है ये हमने नीचे मेंशन कर दिया अब इनके ग्राफ हम प्रिपेयर करते हैं सीरीज में 38 तक है फर्स्ट टेम्परेचर मंडे का 30 यहां पर है 38 एट पे इससे दो पॉइंट नीचे आएगा बेटे तो यहां जाएगा आपका 38 एट ठीक है तो 38 को आपने जो है ज्वाइन है, कर देना है सेम है सेकंड लाइन भी इसकी कर देनी फिर आ जाएगा थर्टी उसके बाद ट्यूजडे का 36 है तो बेटे ट्यूजडे को 36 आ जाएगा 35, फाइव और इसको हम ज्वाइन कर देंगे और यहां पे भी थर्टी सिक्स वेडनेस के लिए है थर्टी तक तो वेडनेसडे का ग्राफ हमारा थर्टी तक हाइट पे जाएगा यहां तक इसको ज्वाइन कर देते हैं तो ये हमारा वेडनेसडे का हो गया थर्टी ठीक है ऊपर आपने जरूर मेंशन कर देना कहां तक आप ग्राफ रीडिंग ले रहे हैं थर्सडे को है थर्टी फोर तो थर्सडे को थर्टी फोर लेते हैं थर्टी यहां पे, है, थर्टी -फोर इस जगह पे आपका आ जाएगा, ठीक है? तो आप नॉर्मल स्केल भी यूज कर सकते हैं ग्राफ अगर आप प्रिपेयर करें सेट का करना आसान रहता है तो यह हो जाएगा थर्टी फोर और लास्ट वन है ट्वेंटी एट तो ट्वेंटी एट को लेते हैं हम ट्वेंटी यहां पर है तो ट्वेंटी एट आपका आएगा थर्टी से टू पॉइंट नीचे इस जगह पर इसको हम ज्वाइन कर देते हैं ठीक है ये हो जाएगा ट्वेंटी एट तो ये बेटे आपका ग्राफ बन गया अब इसमें वन यूनिट फिर से आपने मेंशन कर देना वन यूनिट जो हम ले रहे हैं वन यूनिट होती है ये वाला बॉक्स तो वन यूनिट जो है वो है हमारी टेन डिग्री सेल्सियस के इक्वल ठीक है ये हमने इस तरह से ग्राफ को प्रिपेयर किया फिफ्थ का नेक्स्ट करते हैं सिक्स के लिए फॉलोइंग टेबल गिव द नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टडिंग इन अ स्कूल अवर द पास्ट फाइव ईयर पिछले पांच सालों में जो बच्चे पढ़ रहे हैं स्कूल के अंदर उसका डाटा यहाँ पे दिया गया है रिप्रेजेंट द डाटा बाई मेन्स ऑफ अ बारग्राफ तो इसका बारग्राफ ना के दिखाएं तो आप देखें मिनिमम जो है वो सिक्स हंड्रेड की लाइन में है और maximum तो हम यहाँ पे इसका जो uh, डेटा लेंगे वो कुछ इस तरह से लेंगे इसको थोड़ा सा मैं डार्क कर देता हूँ ये हमारी वाई एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे इस तरह से तो हम जो है स्टार्ट करते हैं जीरो से जीरो के बाद मैं सीधा लूँगा फाइव हंड्रेड क्योंकि हमें पीछे वाला नीचे वाला डेटा नहीं रिक्वायर्ड है तो आप यूज कर सकते हैं फाइव हंड्रेड सॉरी फाइव हंड्रेड भी इस लाइन में नहीं है तो सिक्स हंड्रेड से ही हम स्टार्ट करेंगे ठीक है सिक्स हंड्रेड फिर हम लेंगे सिक्स हंड्रेड फिफ्टी मतलब फिफ्टी का गैप हम ले रहे हैं फिफ्टी uh, के बाद सेवन हंड्रेड फिर हम लेंगे सेवन हंड्रेड फिफ्टी फिर हम लेंगे एट हंड्रेड तक ठीक है इससे ऊपर हमारे पास नहीं है तो इतना ही हम यूज़ करेंगे उसके बाद इस तरफ हमें लेना है ईयर्स कौन कौन से टू थाउजेंड ट्वेल्व से लेके सिक्सटीन तक तो ये हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं टू थाउजेंड ट्वेल्व टू थाउजेंड थर्टीन ये नीचे वाला ग्राफ था अलग टू थाउजेंड फोर्टीन टू थाउजेंड फिफ्टीन टू थाउजेंड सिक्सटीन ठीक है सिक्सटीन तक ये ना हाँ या तो अब हम फर्स्ट रीडिंग लेते हैं सिक्स हंड्रेड फिफ्टी तो सिक्स हंड्रेड फिफ्टी हमारे यहाँ पे है तो सिक्स हंड्रेड फिफ्टी तक हम इसको मेंशन कर देंगे और इसको ज्वाइन कर देते हैं सिक्स हंड्रेड फिफ्टी उसके बाद नेक्स्ट है सेवन हंड्रेड ट्वेंटी फाइव अब सेवन हंड्रेड यहां पे सेवन हंड्रेड फिफ्टी यहां पर ट्वेंटी फाइव बिल्कुल इनके सेंटर में रहेगा यहां पर क्योंकि फिफ्टी का हमने जो है स्केल लिया इस बार तो यहां पे आ जाएगा आपका सेवन हंड्रेड ट्वेंटी फाइव सेवन हंड्रेड ट्वेंटी फाइव नेक्स्ट ग्राफ के लिए है 2014 के लिए 680 तो 680 आप देखें कहाँ पे आएगा 650 के बाद 25 यहाँ पे है फिर 30 हो जाएगा 35 सॉरी 25 नहीं 75 यहाँ पे रहेगा तो हमें लेना है 80 तो इससे एक पॉइंट ऊपर रहेगा हमारा यहाँ पर इस जगह पे आपका आएगा क्योंकि एक जो स्मॉल पॉइंट है वो फाइव को रिप्रेजेंट कर रहा है ठीक है और टोटल जो है एक यूनिट फिफ्टी को रिप्रेजेंट करती है तो यहां पे आपका आ जाएगा सिक्स हंड्रेड एटी नेक्स्ट आपको लेना है सेवन हंड्रेड फाइव सेवन हंड्रेड के ऊपर एक सिंगल लाइन एक ये वाली लाइन हम ऊपर लेंगे तो ये आ जाएगा सेवन हंड्रेड फाइव सेवन हंड्रेड फाइव इस तरह से सेवन हंड्रेड फाइव उसके बाद है लास्ट वन सिक्स नाइनटी सिक्स नाइनटी कहाँ पर आएगा सेवन हंड्रेड से टू पॉइंट्स नीचे ठीक है यहाँ पे आ जाएगा सिक्स इसको हम ज्वाइन कर देते हैं सिक्स हंड्रेड नाइन्टी पे तो ये हो जाएगा सिक्स हंड्रेड नाइनटी इस तरह से बच्चों आपका ये क्वेश्चन नंबर सिक्स का पूरा ग्राफ जो है वो ड्रॉ होगा और वन यूनिट यहां पर हमने जो ली है वन यूनिट वो हमने ली है

अब ये इंफॉर्मेशन बच्चे पाई चार्ट नहीं बन सकता है इसका क्यों नहीं बन सकता है जैसे ये हमें टोटल जो दिया गया है हमें क्या करना होता है जैसे यहाँ पे 120 है तो बेटे प्रोसीजर क्या होता है जितनी फर्स्ट वैल्यू है इनको सबको एंगल्स में चेंज करना है एंगल्स में चेंज करने के बाद उसका पाई चार्ट बनता है सेंट्रल एंगल जो हम निकालते हैं मैंने एक्सरसाइज में भी आपको करवाया हुआ है ऑलरेडी तो जो रीडिंग होती है डिवाइड बाई टोटल करना होता है टोटल और मल्टीप्लाई बाय थ्री डिग्री ठीक है अब ये फाइव पे तो आप अगर कैंसिल करना चाहें तो हो जाएगा फाइव पे हम कैंसिल कर देते हैं फाइव टू जै टेन टू ट्वेंटी फाइव फोर जेड ट्वेंटी फाइव पे इसको करते हैं फाइव फाइव जै ट्वेंटी फाइव फोर फोर्टी फाइव फाइव नाइन जैसे फोर्टी फाइव आगे पूरा कैंसिल ही नहीं होगा कैंसिल नहीं होगा तो हमारा जो आंसर है वो कंप्लीट डिग्रीज में आना चाहिए अगर डिग्रीज में आ रहा है तभी बेटे हम उसको पाई चार्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं ठीक है तो ये पाई चार्ट पॉसिबल नहीं है या तो इसमें कोई ना कोई स्टेटमेंट मिस्टेक है बेटे या फिर आपने इसमें लिख देना है दिस इज नॉट पॉसिबल क्योंकि वैल्यूज कंप्लीट नहीं आ रही हैं इसलिए हम जो है इसको बोलेंगे दिस इज नॉट पॉसिबल क्वेश्चन नंबर सेवन को आपने इस तरह से अटेम्प्ट करना है नेक्स्ट जो है सेवन वो पॉसिबल है क्योंकि 1800 आ रहा है तो 360 से पूरा पूरा एज इट इज कैंसिल हो जाएगा तो इसके हम सेंट्रल एंगल जो है फाइंड आउट करेंगे और इसको पाई चार्ट की फॉर्मेशन करेंगे श्रेया गेट्स 1800 हंड्रेड रुपीज एज अ गिफ्ट श्रेया को अठारह सौ रुपए गिफ्ट के रूप में मिले हैं शी स्पेंड्स द मनी इन डिफरेंट हेड्स एज फॉलो तो उसने अलग अलग जगह इसको इन्वेस्ट किया है बुक्स फोर uh, फिफ्टी में ट्रेवलिंग में टू फिफ्टी एंटरटेनमेंट के लिए सिक्स हंड्रेड एटिंग के लिए थ्री हंड्रेड सेविंग के लिए टू हंड्रेड इस तरह से तो अब मैंने बेटे इस टेबल को अपनी नोटबुक पे बनाना है इस तरह से और इनके सेंट्रल एंगल हमें फाइंड आउट करने हैं ठीक है बेटे तो सेंट्रल एंगल के लिए आपको क्या करना है या तो अलग अलग से आप क्या करो फोर फिफ्टी डिवाइड बाई टोटल इंटू थ्री सिक्सटी हर केस में करना पड़ेगा या फिर आपका एक सिंपल काम होता है कि आप रेशो निकाल लो रेशो ऑफ रेशो ऑफ लिख सकते हो आप या फिर हाँ रेशो लिख सकते हो रेशो ऑफ किस किस की रेशियो लोगे आप टोटल ऑफ सेंट्रल एंगल टोटल ऑफ सेंट्रल एंगल कितना होता है 360 सिक्सटी डिवाइड बाई टोटल ऑफ मनी या फिर टोटल मनी 1800 इनकी रेशियो लेते हैं जीरो से जीरो 18 वन जै एटीन टेन आ जाएगा एटीन टू जै थर्टी सिक्स ठीक है एटीन टू जी कितना होता है 36 अब हम जीरो को ही रखेंगे यहां पे वैसे तो हम टू पे और कैंसिल कर सकते हैं लेकिन हम कैंसिल नहीं करेंगे क्यों नहीं करेंगे क्योंकि सबके पीछे जीरो है और जीरो रखने का ये फायदा है कि हमारा सीधा जीरो पे कैंसिल हो जाएगा फाइव पे बार बार हमें कैंसिल नहीं करना पड़ेगा ठीक है और टू से मल्टीप्लाई करते रहेंगे तो ये हमारा सिंपल वे होता है कैसे हम आसान कर सकते हैं तो बुक्स का अगर हमें सेंट्रल एंगल निकालना है तो हम क्या करेंगे फोर और इसको मल्टीप्लाई किससे करोगे टू बाय से ठीक है टू बाय टेन जीरो से जीरो कैंसिल है ना आसान टू से मल्टीप्लाई कर दो तो नाइनटी डिग्रीज ये एंगल आ गया फिर आप करो, करोगे टू फिफ्टी मल्टीप्लाई टू बाय टेन ज़ीरो से ज़ीरो कैंसिल ट्वेंटी फ़ाइव टू फिफ्टी डिग्री आ जाएगा फिर सिक्स हंड्रेड के लिए हम सॉल्व करेंगे इसको टू बाय टेन ज़ीरो से ज़ीरो फिर कैंसिल सिक्सटी टू ज़ा वन ट्वेंटी डिग्रीज़ फिर हम करेंगे थ्री हंड्रेड के लिए टू बाय टेन ज़ीरो से ज़ीरो कैंसिल थर्टी टू 60 सिक्सटी डिग्री और टू हंड्रेड के लिए टू हंड्रेड इंटू टू टेन जीरो से जीरो कैंसिल फोर्टी डिग्रीज ठीक है इनका सबका सम आपका थ्री सिक्सटी ही बनना चाहिए तो बनेगा बिल्कुल तो इसको अब हम इसका पाई चार्ट ड्रॉ करेंगे सेंट्रल एंगल का यूज करके और इसके लिए एक बेटे आपको चाहिए डी ठीक है डी का यूज करके हम इसको बनाते हैं और प्रकार चाहिए आपको सर्कल बनाने के लिए तो प्रकार भी हम ले लेंगे प्रकार से हम बेटे बनाएंगे यहाँ पे सर्कल ठीक है एक सर्कल हम ड्रॉ करते हैं यहाँ पे क्योंकि सर्कल के साथ ही हमारा पाई चार्ट होता है ठीक है मैं यहाँ पे पेन का यूज कर रहा हूं बेटे आपने पेंसिल का यूज करना है तो ये हमारा सर्कल ड्रॉ हो चुका है हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर एट इसमें जो हमारा डेटा था वो था बुक्स के लिए था 90 डिग्रीज तो आपको बेटे मैं एक और चीज बताना चाहूंगा सबसे छोटे एंगल से आपने स्टार्ट करना है बनाना सबसे छोटा एंगल है फोर्टी डिग्रीज तो पहले हम फोर्टी डिग्रीज को बनाएंगे छोटे एंगल से बनाने का प्रोसीजर क्यों है क्योंकि कई बार इसमें बहुत बड़ी रीडिंग भी आएगी जैसे 200 आएगा तो डी में आपको 200 नहीं मिलेगा तो आपने सबसे छोटे से स्टार्ट करना है 40 से हम स्टार्ट करते हैं तो पहला हम एक लाइन बनाएंगे यहाँ पे इस तरह से आपने एक लाइन बना देनी है कहीं पे भी आप बना सकते हैं तो मैंने यहां पे बनाई इस लाइन के ऊपर प्रकार सॉरी डी को रखना है आपने और डी को रखने के बाद आपने ढूंढना है फोर्टी तो डिग्रीज आपका है यहां पर ठीक है फोर्टी डिग्रीज ढूंढने के बाद इसको आपने ज्वाइन कर देना है सर्कल के अंदर तक ही रखना है बाहर नहीं निकालना है तो आपका ज्वाइन होने के बाद आ गया आपका फोर्टी डिग्रीज ठीक है और फोर्टी डिग्रीज जो है वो क्या था सेविंग तो इस पर आप जो है यहां पे आप मेंशन करोगे सेविंग उसके बाद नेक्स्ट जो है आ, हमारा फोर्टी के बाद इसके बाद है फिफ्टी ट्रेवलिंग के लिए फिफ्टी डिग्री अब आपको क्या करना है बेटे अब आपको इस कॉपी को रोटेट कर लेना है इस लाइन को बेस लाइन मानना है और इस लाइन के ऊपर इस बेस लाइन के ऊपर आपको नेक्स्ट जो है लाइन बनानी है और एंगल लेना है फिफ्टी डिग्रीज तो फिफ्टी आएगा आपका यहां पर इसको आपने ज्वाइन कर देना है यूजिंग स्केल ठीक है इस तरह से ये आपकी ज्वाइनिंग हो गई तो ये आ गया आपका 50 डिग्रीज और ये किसके लिए है ट्रेवलिंग के लिए ठीक है बेटे ये आपका ट्रेवलिंग का बन गया नेक्स्ट हम अपना डेटा फिर से एक बार देखते हैं फिफ्टी के बाद आपका आएगा सिक्सटी डिग्री सिक्सटी डिग्रीज है एटीन के लिए अब आपको फिर से इसको और रोटेट करना है और इसको बेस लाइन मारना है बेटे ठीक है जो नई बनी है वो हमारी बेस लाइन हो जाएगी अब इसके ऊपर हम डी के साथ फिर से बनाएंगे 60 डिग्रीज तो यहां हमने इसको रखा और हम लेते हैं यहां पे अपना डाटा 60 डिग्रीज और इसको ज्वाइन कर देंगे और ये हो जाएगा हमारा 60 डिग्रीज और 60 डिग्रीज बेटे था ईटिंग के लिए तो हम यहां पे मेंशन करेंगे इसको सीधा करके ही आपने मेंशन करना है लिखना भी वैसे सीधा करके ही था ठीक है तो यहां पे हम मेंशन कर देंगे इस तरह से ईटिंग ठीक है उसके बाद नेक्स्ट जो है आपकी वो है सिक्सटी के बाद सिक्सटी के बाद आपका एंगल बनेगा बेटे नाइन्टी डिग्रीज नाइन्टी है बुक्स के लिए तो नाइन्टी कहां में बनाओगे आप अब इसको बेस लाइन लेना है इसके ऊपर नाइन्टी डिग्रीज का आप एंगल बनाएंगे यहां पर ठीक है इसको हम कर देते हैं ज्वाइन तो 90 का यहां पे बन गया और ये किसके लिए है ये है हमारा बुक्स के लिए तो यहां पे आप लिखेंगे बुक्स ठीक है ये बुक्स के लिए और जो लास्ट एंगल है वो बेटे अपने आप ही आपका एंगल बच जाएगा 120 ट्वेंटी डिग्रीज का और 120 ट्वेंटी डिग्रीज जो है वो था आपका एंटरटेनमेंट ठीक है शॉर्ट में लिख देते हैं एंटरटेनमेंट तो ये आपका कंप्लीट एक चार्ट जो है वो बनके रेडी हो चुका है इस तरह से आपने बेटे क्वेश्चन नंबर एटथ को कंप्लीट करना है ये था आपका क्वेश्चन नंबर एट्थ ठीक है ये आपका चार्ट सेवन्थ का मैंने आपको बता दिया है सेवंथ का पाई चार्ट जो है वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि उसमें पूरा पूरा कैंसिल नहीं होता है तो बेटे इसी के साथ आपका ये चैप्टर चेकअप सेवेंटीन क्लास एट्थ के लिए कंप्लीट होता है और भी नए नए वीडियोस आपको देखने को मिलते रहेंगे और मैं आपको बता दूं साथ के साथ कि हमारे चैनल पर एन मैथ्स क्लास सिक्स सेवंथ एट्थ के लिए कम्प्लीटली अवेलेबल है हर एक क्वेश्चन जो है वो सॉल्व किया गया है विद बेस्ट एक्सप्लेनेशन और ऑक्सफर्ड मैथ्स भी हमारे पास अवेलेबल है सिक्स सेवन्थ एट्थ के विद इंक्लूडिंग चैप्टर चेकअप सारे के सारे चैप्टर चेकअप कंप्लीट हैं तो आप भी देखिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए धन्यवाद